नाजरीन डीडी न्यूज में आपका खैर मकदम है। चंद्रन गुट्टा पुलिस हदूद में 16 तारीख की रात एक मासूम बच्चे के बलात्कार का मामला अमल में आया। 11 साल के लड़के को दो लड़कों ने भैला फुसला कर लेके जाकर उसके साथ इस्मत रेजी की। उसके बाद इस बात के तल्ला उनके माँ बाप को होते ही वो परेशान होकर चंद्रन गुट्टा पुलिस में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करते ही उन्होंने अपने तहकीकात का आगाज कर दिया, लेकिन आज सुबह में उनको बालापुर कट्टे पर पुलिस ने पकड़ लिया। आज एसीपी फलकनुमा एम ए रशीद ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी सारी तफासिल को बयान किया और उसके बाद इसको अदालती तय। शाम में एक लेडी पुलिस स्टेशन को आके ऐसा हमारे बच्चे के साथ 11 साल बच्चे के साथ मर्द बच्चे के साथ गलत हरकत हुई बोल के कॉम्प्लेंट दिया था। तो उसमें से हम लोग वेरीफाई करें तो मालूम हुआ कि 16 तारीख के दिन बच्चा रात में 9 बजे घर से निकला और 11 बजे वापस आया। उसके बाद 17 तारीख के दिन कुछ लोग आके ये बच्चे के साथ दो अक्यूज है, एक का नाम क्या बोलते हैं अब्दुल मुतलिब है जो 22 साल है और क्या बोलते हैं मुदस्सिर खान है जो 19 साल है। ये दो लोग वो बच्चे को फलकनुमा रेलवे स्टेशन के सामने झाड़ियों में ले आते हुए देखे बोल के बोले तो उस पर से हम लोग क्या बोलते हैं केस रजिस्टर करें 22/19 अंडर सेक्शन 377 IPC और क्या बोलते हैं सेक्शन 5(6) ऑफ पोक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट में हम लोग रजिस्टर करके वेरीफाई करें तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इंसिडेंट ट्रू है बोल के मालूम हुआ। उसके बेसिस पे आज सुबह ये जैसे ही घर में मालूम हो गया पब्लिक को मालूम हो गया बोलते ये जो अफेंडर्स जो है दोनों फरार हो गए तो उनको क्या है आज सुबह में बालापुर कट्टे के पास आज सुबह में लोग अप्रीहेंड करें पकड़े पकड़ के पुलिस स्टेशन को लेके आए रिमांड रिपोर्ट प्रिपेयर करें आज शाम में लोगों को रिमांड करेंगे। सर ये पहले फर्स्ट टाइम है नहीं इससे पहले भी कुछ नहीं बच्चों का फर्स्ट ऑफेंस है फर्स्ट ऑफेंस है बच्चों का है और प्रीवियस हिस्ट्री भी देखे हम लोग चेक करें ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है बच्चों को। ये कहाँ रहते थे ये तीनों भी गाजी मिलत कॉलोनी में रहते तो वहाँ बच्चे खेलते रहते ये लोग भी क्या बोलते दुकान के चबूतरे पे बैठे हुए थे तो वहाँ पे बच्चे से मुलाकात हुई तो बच्चे को ले लेके चले गए। बाद में बच्चे को कहीं भी ये बात नहीं बोलना बल्कि फ्रूटी भी दिलाया होगा तो वो भी हम लोग रिकॉर्ड करें। ये 16 तारीख के दिन रात में 9 बजे और 11 बजे के बीच में हुआ बच्चे के स्टेटमेंट के हिसाब से 9:30 बजे बच के बच्चा बता रहा सब दोनों मिलके करें दोनों मिलकर एक के बाद एक करें। सर ये इंसिडेंट्स आजकल जो 377 जो पोस्ट एक्ट के जो है ज्यादातर इंसिडेंट्स बहुत सुना है मतलब इसका कोई वजह हो सकता है सर मतलब ये इंसिडेंट्स होने की कोई ऐसी खास वजह मतलब जबकि नहीं होना चाहिए मतलब ये क्या है अननेचुरल इंसिडेंट है 377 जो है अननेचुरल इंसिडेंट है बट इतना रेगुलर इंटरवल में तो नहीं हो रहा नहीं, लास्ट वीक में ये दूसरा वाकया है सर एक स्कूल के अंदर हुआ था और ये क्या है ओपन एयर में हुआ नहीं इसकी रोकथाम के लिए जो पुलिस के इकदामात हैं ये खाबी करेंगे पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस लेके आएंगे क्या है अपने पास थोड़ा साउथ जोन में अलग टाइप ऑफ कल्चर है रात में जगने की आदत है 9 से 11 बजे कोई बच्चा दूसरे जोन्स में कहीं भी खेलने नहीं निकलता लेकिन अपने जोन में क्या है 9 और 11 के बीच में खेलने के लिए बच्चा निकला और माँ को इतना मतलब तकलीफ नहीं हुई इसका मतलब है कि अपने कल्चर में थोड़ा यहाँ पे साउथ जोन में रात के टाइम पे निकलने का कल्चर है उसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या है मिशन चबूतरा भी शुरू किए तो इंशाल्लाह मिशन चबूतरा 12 के बाद इंप्लीमेंट होगा। तो ये इंसिडेंट तो 9 और 11 के बीच में हुआ मिशन चबूतरा से इसका कोई मतलब नहीं ऐसे एक्टिविटीज को